शासन पुरस्कृत बळजबरी ने आदिवासींना जल जंगल आणि जमिनी पासून बेदखल करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प व सोयी सुविधांची लालच दाखवून त्यांची पुनर्वसनाच्या नावाखाली विस्थापन करणे हे आदिवासींचे प्राकृतिक अस्तित्व खत्म करण्याचे धोरण आहे। एक विश्लेषण अथवा आदिवासींचे मोठ्या प्रमाणात होत चाललेल्या विस्थापनाचे मूळ कारण म्हणजे संविधानातील आदिवासींची 5वी 6वी अनुसूची लागू न करणे होय। विश्लेषण असा हा एक विषय आहे। दुसरा विषय आहे बफर झोनच्या माध्यमातून केवळ आदिवासींचं विस्थापन होत नसून ओबीसी एससी एसटी मायनॉरिटी लोकांच्या पुनर्वसनाच्या माध्यमातून त्यांना मूळ जमिनीपासून वंचित करण्याचे षड्यंत्र आहे। तिसरा मुद्दा आहे 10% आरक्षण आर्थिक आधारावर देणे हे 16(4) कलमाचे उल्लंघन आहे। चौथा आहे 13 पॉइंट रोस्टेज पद्धतीने एससी एसटी ओबीसी लोकांना प्रतिनिधित्व विषयी षड्यंत्र आहे शासक जातीचे। पाचवा विषय आहे ईव्हीएम मशीनला लागून असलेल्या पेपर ट्रेल मशीन मधून निघणाऱ्या कागदी मतपत्रकांची मोजणी करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने 8 ऑक्टोबर 2013 दिलेल्या निर्णयाला निवडणूक आयोगाद्वारे हा निर्णय लागू न करणे हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान आहे। हे गंभीर चिंता। इस तरह के 5 विषय रखे गए हैं, बहुत सारी बातें हैं साथियों। बहुत देर से हम लोग जो है आदिवासियों के या एससी ओबीसी माइनॉरिटी के दुख और दर्द की कहानी आप लोग सुन रहे हैं। इतना सारा संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद शेड्यूल कास्ट के लोगों को संवैधानिक अधिकार है, आदिवासी लोगों को केवल अधिकार नहीं है बल्कि विशेषाधिकार है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार थे उसे संविधान ने समाप्त कर दिए, मगर आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची में विशेष अधिकार बहाल किए। ये बहुत सारे अधिकार हमारे लोगों को है। ओबीसी के लोगों के लिए 340वें आर्टिकल के द्वारा अधिकार है, मौलिक अधिकार के अधिकार है। माइनॉरिटी के लोगों के लिए भी मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। सारा का सारा संविधान हम लोगों के समर्थन में है, संविधान की व्यवस्था हम लोगों के समर्थन में है। संविधान का अर्थ होता है लॉ ऑफ द लैंड। इस भूमि का जो मौलिक कानून है वो हमारे समर्थन में है और ये कानून बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हमारे समर्थन में लिखा गया है। इसके बावजूद भी हमारे लोगों का दुख और दर्द लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। क्यों बढ़ रहा है साथियों, मैं ये बात समझाने के लिए कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन लोगों को हक और अधिकार हासिल करवाने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई और ये लड़ाई लड़ने के बाद 17 अगस्त 1932 को कमल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और शेड्यूल कास्ट के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो अधिकार था वो क्या था, तो ब्राह्मणों की व्यवस्था से उनको आजाद करने का मामला था। सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होने के पहले ब्राह्मण लोग
उन लोगों के भविष्य का फैसला लेते थे। सेपरेट इलेक्टेड होने के बाद अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार मिला। अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार मिला, इसका मतलब है वो ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए। 17 अगस्त 1932 को, 15 अगस्त 1947 को गांधी जी आजाद हो गए। गांधी जी के आजाद होने के 15 साल पहले शेड्यूल कास्ट के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए। गांधी और उनके लोग 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। साथियों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है, मैं कह रहा हूं हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, जानकारी नहीं है हमारे लोगों को। तो जब यह अधिकार मिला तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया, और आमरण अनशन करके ये अधिकार गांधी जी ने छीन लिया। इस दृष्टि से गांधी जी हमारे लिए राक्षस है, शैतान है। कांग्रेस के लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसे बोलता हूं, उनको बुरा लगना चाहिए इसलिए भी मैं बोलता रहता हूं। उनको बुरा लगेगा तब तो थोड़ा सोचेंगे, बुराई नहीं लगेगा तो सोचेंगे कैसे। तो आज जो बहुत सारा दुख और तकलीफ हमें भोगना पड़ रहा है, अगर कोई मुझे ये पूछे कि इसके लिए एक आदमी का नाम बताओ जो इसके लिए जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको अभी अभी मैंने राक्षस और शैतान कहा। साथियों, पूना पैक्ट जो है इसने अधिकार छीन लिया और पूना पैक्ट गांधी ने हमारे लोगों पर थोपा, तो आदिवासियों को पूना पैक्ट लागू नहीं था। यानी आदिवासियों में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के अंदर पूना पैक्ट की वजह से दलाल और बड़ुवे पैदा किए, ये मेरा शब्द नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पूना पैक की वजह से दलाल और बड़ीवे पैदा होते हैं, ये मेरा जब नहीं है, ये बाबा साहब का है, बाबा साहब ने लिख कर रखा। वो केवल मैं बता रहा हूं कि इसकी वजह से दलाल और बड़ीवे पैदा हुए। और जब संविधान लिखने का समय आया तो आदिवासियों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई गई। 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है? तो आदिवासियों का स्वायत्त शासन है और संविधान के अधीन, संविधान के अंदर एक और संविधान है 5वीं और 6वीं अनुसूची। संविधान के अधीन एक संविधान, यानी दूसरा संविधान, आदिवासियों के लिए एक अलग संविधान, संविधान के अधीन एक संविधान, ये आदिवासियों के लिए एक संविधान जिसने आदिवासियों को स्वायत्त शासन करने का अधिकार बहाल किया। ये जो हम कह रहे हैं इसका आधार क्या है? इसका आधार है जो भारत का पार्लियामेंट है उसको सावरेन घोषित किया है। सावरेन यानी सार्वभौम, सार्वभौम का अर्थ होता है कि उसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं, संसद के ऊपर भारत में किसी की सत्ता नहीं, सार्वभौम है, संसद ही सार्वभौम है और भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार उसका, तो सार्वभौम। मगर आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि संसद का पास किया हुआ कानून भी आदिवासी इलाके में आदिवासी ग्राम सभा के सहमति के बगैर लागू नहीं किया जा सकता।
आदिवासियों के सहमति के बगैर संसद का पास किया हुआ कानून राष्ट्रपति ने गैजेट में पब्लिश किया हुआ कानून, वो कानून जो सार्वभौम संसद ने पास किया वो भी आदिवासी इलाके में आदिवासियों के सहमति के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि आदिवासियों की सत्ता संसद की सत्ता से भी स्वतंत्र रखी गई है। ये एविडेंस के लिए बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको पता चले। इतनी बड़ी सत्ता आदिवासियों को संविधान के द्वारा देने के बावजूद भी आदिवासी आजाद भारत में दुखी क्यों है? सवाल है, मौलिक सवाल ही है। आदिवासी को पता नहीं कि दुखी क्यों है, वही मैं बताना चाहता हूं कि दुखी क्यों, इतनी सत्ता है, इतनी सारी सत्ता होने के बावजूद भी वो दुखी है क्यों? जब पांचवी और छठी अनुसूची लागू की गई, लागू करने के बाद कांग्रेस के लोगों ने, गांधी ने, नेहरू ने, ब्राह्मणों ने सोचा, अरे तो आदिवासी अपने इलाके के राजा हो जाएंगे, और अगर अपने इलाके के राजा हो जाएंगे तो 10 साल 20 साल 25 50 साल के बाद में दूसरे लोगों को वो आदिवासियों की देखा देखी दूसरे को दिखाई देगा, ये राजा हो गए क्यों हुए, दूसरों को मालूम होगा दूसरे लोग भी वही प्रकार की मांग करना शुरू करेंगे। तो आदिवासियों की जो सलाहकार समिति थी, जो संविधान में आदिवासियों को कौन से हक और अधिकार दिए जाने चाहिए, वो सलाहकार समिति ने संविधान लिखने के लिए कोई सलाह नहीं दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर को ही अपने ही योग्यता के अनुसार आदिवासियों को पांचवी और छठी अनुसूची देनी पड़ी, और वो अधिकार जब बहाल हुए तो आदिवासी अपने इलाके का राजा हो गया। राजा होने के बाद गांधी नेहरू और कांग्रेस के लोगों को लगा तो आदिवासी राजा हो गया है तो ये खतरा है, इस खतरे को खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए 24 सितंबर 1932 को जो पुनः पैक गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लोगों पर थोपा था और उसके द्वारा उन्होंने दलाल और भड़वे पैदा किए थे शेड्यूल कास्ट के लोगों में, वो पुनः पैक उन्होंने आदिवासियों पर लागू कर दिया। मुझे नहीं मालूम किसी आदिवासी को यह पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अनपढ़ आदिवासी को पता नहीं, मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे आदिवासी को पता नहीं, आदिवासी के एमएलए को पता नहीं है, आदिवासी के एमपी को पता नहीं है, आदिवासी के मंत्री को पता नहीं है। राजस्थान में आदिवासी का मंत्री था, जब हमने ये पांचवी छठी अनुसूची का मामला वहां खड़ा किया तो उन्होंने हमारे आदिवासी कार्यकर्ता को पूछा कि तुम ये पांचवी छठी अनुसूची कहां है भाई, तुम कुछ भी बातें करते रहते हो, हमसे बोलो कहां है, वो मंत्री था उसको पता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो गधे लोगों को एमएलए बनाती है ना, कांग्रेस जो है गधे लोगों को एमएलए बनाती है, बेवकूफों को गधे लोगों को एमएलए एमपी बनाती है। और उससे भी आगे अगर कहा जाए तो जिसको कांग्रेस या बीजेपी टिकट देती है वो टिकट देने के पहले उसको खसी करती है। मैं देहाती आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, देहाती भाषा में बता रहा, टिकट बाद में देती है पहले खसी करती है, खसी करने के बाद कांग्रेस वाले सोचते हैं बीजेपी वाले सोचते हैं आता है मानुष का मातून गिरेला है, आता है टिकट देने का लायक किधर आगेला है, तो इस तरह से ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एमएलए है एमपी है मंत्री है
इनकी संख्या जानते हो कितनी? 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1250 एमएलए है एससी एसटी के टोटल सारे देश भर में। और सेंट्रल में चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर भारत में कोई सरकार नहीं बन सकती। अभी नरेंद्र मोदी के पास बीजेपी के 282 सीटें हैं, उसमें 76 सीटें एससी एसटी की अकेले। अगर उन्होंने विड्रॉ कर दिया तो नरेंद्र मोदी धर्म से कर जाएगा। तो इस तरह से जो बोना पैक था, जो केवल शेड्यूल कास्ट को लागू था, वो पांचवी और छठी अनुसूची लागू होने के बाद आदिवासियों को लागू कर दिया गया। और किसी आदिवासियों ने हमें पूरा पैक लागू किया जाए ऐसी कोई मांग नहीं। मांग किए बगैर कांग्रेस के लोगों ने इसे लागू कर दिया, खत्म कर दिया अधिकार को। पांचवी छठी अनुसूची जो प्रभावहीन हो गई, संविधान में लिखा हुआ है, अमल की तो दूर, पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अरे जानकारी होगी तब अमल होगा, जानकारी ही नहीं तो अमल कैसे होगा? और अमल करने के लिए ताकत चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, मगर उन्होंने तो दलाल बनाए, दलाल थोड़ी लागू कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तब जाकर लागू कर सकते। हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है, हमारे लोगों को बहुत सारा आप ही आचार संहिता का डर, लोग डरते रहते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो है, अरे क्यों लिया यार, ये आचार संहिता लागू ऐसा है, कर सकता है बोली तो। गुजरात में कच्छ भूज में जब आचार संहिता थी, मेरा कार्यक्रम था गर्द मुक्ति मोर्चा का, तो कलेक्टर ने कैंसिल कर दिया आचार संहिता। वहां के लोग नारायण गरवा ने मुझे टेलीफोन किया, मैं दिल्ली में था, क्यों कलेक्टर ने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि कागज निकालो, पेन निकालो, लिखो मैं जो बोलता हूं। तो उसको बताया आचार संहिता का, आचार संहिता के कौन से कलम के अनुसार सामाजिक संगठनाओं को आचार संहिता लागू होती है, वो आचार संहिता का कलम हमें लिख कर दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, धन्यवाद। ठीक है चार लाइन लिख दिया, कलेक्टर को दे दिया, रिसीट ले लिया। दूसरे दिन कलेक्टर के ऑफिस से टेलीफोन आया, तुम्हारी परमिशन लेकर जाए, क्योंकि उसके बाद देखा होगा उसमें तो सामाजिक संगठन को लागू ही देगी। और हमने तो मांगा, लो बताओ कौन से कलम में लिखा हुआ है, तो देखने के बाद पता चला होगा नहीं तो यहां पर सामाजिक संगठन को लागू ही नहीं। अब जैसे हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ पता नहीं है, यहां के पुलिस वालों को भी पता नहीं, यहां की जो पुलिस है उनको भी पता नहीं, ये स्थिति है। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं, उनको भी जानकारी नहीं। तो हमारे लोगों को छोटी छोटी बातों का बहुत सारा डर लगा रहता है। इतना बड़ा संविधान हमारे लोगों ने हक और अधिकार हम लोगों को दिए हैं, वो अमल नहीं हो रहा है। वो अमल ना होने की बड़ी वजह यह है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट, 1250 से ज्यादा एमएलए, कांग्रेस और बीजेपी ने दलाल और भड़वे बना के रखे हुए। वो लोग संसद में और विधानसभा में बोलते ही नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक जगह अपने भाषण में कहा, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, ते फक्त जांभई देण्यासाठी तोंड उघडतात संसदेमध्ये, अन्यथा तोंडच उघडत नाही। आणि तोंड केव्हा उघडतात? तर जांभई देण्यासाठी उघडतात। माझं काय म्हणणं आहे, अरे जांभई देणे हा नॅचरल कॉल आहे,
आणि तो जर नॅचरल बॉल नसता तर हे लोक त्याच्यासाठी सुद्धा तोंड उघडलं नसतं. एवढे नालायक लोक. आणि या नालायकांना काँग्रेस आणि बीजेपीनी तिकीट देऊन नेमले एमपी. आणि यामुळे तुमचा प्रतिनिधित्वाचा आप लोगों के प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त कर लिया गया. और प्रतिनिधित्व का ही अधिकार नहीं है तो पांचवी और छठी सदी सूची की जानकारी ही नहीं है. जानकारी ही नहीं है अमर कहां से करेंगे. अभी आकोट में ये जो व्याघ्र प्रकल्प बना, ये व्याघ्र प्रकल्प बनने के पीछे एक रहस्य है. रहस्य क्या है? सारे देश में भी हो रहा है. इसमें रहस्य क्या है? ये आदिवासी इलाके की नदी जो जमीन है उस जमीन के नीचे धन संपदा है. सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, 83 प्रकार की धन संपदा है. आज से 20 साल पहले उसकी कीमत निकाली गई. जमीन के नीचे जो धन संपदा है आदिवासी इलाके में, तो उसकी 20 साल पहले कीमत कितनी थी? 11,000,00,000 करोड़. ये जो मैथ बीएससी और एमएससी अगर है ना हमारा कोई, उसको भी बोलो जरा गुरुजी ये जरा शून्य लगाकर लिख कर दिखाओ तो 11,000,00,000 करोड़ जरा कितना होता है, जरा शून्य लगाओ तो. ओ, वो भी बोलेगा साला पता नहीं साला कितना शून्य लगाना होगा. आदिवासियों को केवल रॉयल्टी रॉयल्टी भी मिली तो हर आदिवासी 1,000 करोड़, एक परिवार 1,000 करोड़ का मालिक होगा. 1,000 करोड़ रॉयल्टी, वो भी 10-20%. वैसे तो आदिवासी इलाके के अधीन जो जमीन है उसके लिए संविधान में कानून है कि आदिवासी 100% जमीन के मालिक है. शेड्यूल कास्ट नहीं है, ओबीसी नहीं है, उसके जमीन के नीचे का मालिकाना हक भारत सरकार का है. आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा आदमी नहीं खरीद सकता, आदिवासी 100% मालिक है, जमीन का भी और जमीन के नीचे का भी. इसलिए कह रहा हूं अगर 25% रॉयल्टी मिल जाए तो एक आदिवासी परिवार 1,000 करोड़ का मालिक होगा. अगर मान लो 1 करोड़ का मालिक होता है तो महीने का 1,00,000 रुपया ब्याज मिलेगा. 1 करोड़ हुआ तो महीने का 1,00,000 ब्याज. कितना खाएगा? सोना खाएगा आदिवासी, भूख भी कम है. तो वो इतनी धन संपदा वो जमीन के नीचे है. और आदिवासियों को अपने जमीन से अगर बेदखल करना है तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है, संविधान का उल्लंघन हो जाता है. तो ये बदमाशों ने क्या किया, वहां से विस्थापित करने के लिए व्याघ्र प्रकल्प बनाया. तो व्याघ्र प्रकल्प के नाम से वहां से आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं, उसी जमीन ले रहे हैं, उस जमीन के नीचे धन संपदा होगी. अब 25-50 साल के बाद क्या होगा? वो जो व्याघ्र ने जानवरों के नाम पर जमीन लिया वो होगी सरकार की मालकियत. सरकार की मालकियत होने के बाद चुपचाप किसी उद्योगपति को दे देंगे, पता ही नहीं चलेगा. क्योंकि अभी कोई अभी आदिवासी की जमीन रही नहीं, वो होगी सरकार की जमीन. अब सरकार उस जमीन का क्या करे? वो इतने लाखों एकड़ की जो जमीन होती है जन व्याघ्र प्रकल्प की, उसमें 10-20 बाघ होते, 10-20 शेर होते. अब 10-20 शेर को पकड़ो और एक जगह से दूसरे जंगल में ले जाओ, वो सारा का सारा लाखों एकड़ जमीन है, वो फ्री हो जाता है. फ्री हो जाता है टाटा को, बिरला को, अंबानी को. ऑब्जेक्शन लेने वाला कोई आदिवासी भी नहीं, क्योंकि आदिवासी की मलकी खत्म हो गई. चालाकी है ये, जो होशियारी है, राज करने की होशियारी होती है ना, राज करने की होशियारी होती है. क्योंकि आदिवासियों की लैंड एक्वायर नहीं की जा सकती, नॉन आदिवासी के द्वारा नहीं की जा सकती. और जो हमारे एससी एसटी के जो एमएलए है एमपी है, एक तो पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं देते, बोलने पर उनके पाबंदी है. अमेरिका का एक राष्ट्रपति है, उसने कहा अगर किसी कौम को गुलाम बनाकर रखना है तो उसके बोलने पर पाबंदी लगा दो. आपको समझ में आ गया होगा. अगर शेड्यूल कास्ट के
चरूर ट्राइब के एमएलए के बोलने पर पाबंदी है, एमपी पर बोलने की पाबंदी है, वो भी संसद में बोलने पर पाबंदी है। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आपको बोलने की पूरी आजादी होगी, मौलिक अधिकार होगा, कोई रोक नहीं लगा सकता, ये अधिकार है। फिर एमएलए और एमपी को उससे भी बड़ा अधिकार है बोलने का, वो कौन सा, उसको लिखा है प्रिविलेज। प्रिविलेज अंग्रेजी शब्द है, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है विशेषाधिकार। एमएलए और एमपी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी बोलने का अधिकार होगा। वैसे लिखा है कोई भी आदमी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बोल नहीं सकता, मगर एमएलए और एमपी को संसद और विधानसभा में जनहित में बोलने का अधिकार होगा, उसको नाम दिया प्रिविलेज विशेषाधिकार। इतना बड़ा अधिकार है, इसके बावजूद भी कोई एससी और एसटी के एमपी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। इसका मतलब है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कांग्रेस और बीजेपी ने गुलाम बनाकर रखा, उनको चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर गुलाम बनाकर रखा तो आप लोगों की उनकी नजर में क्या औकात है, आपकी कोई औकात है? आपके एमएलए को गुलाम बना के रखा, आपके एमपी को गुलाम बना के रखा, आपके मंत्री को गुलाम बना के रखा, आप लोगों की उनकी नजर में क्या औकात है? कोई औकात नहीं है, ये परिस्थिति। अब ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। वो गंभीर होने की वजह है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन क्या करती है आपको बताता हूं। अमरावती में 2014 में चुनाव हुआ विधानसभा का, प्रोफेसर राणे चुनाव लड़ रहे, चुनाव जिस बूथ पर वो वोट डालने के लिए गए उस बूथ पर उसकी बीवी गई, उसके कार्यकर्ता गए, उसके रिश्तेदार गए, उसके सपोर्टर गए, इतने सारे लोगों ने उसके सपोर्ट में वोट दिया। जब काउंटिंग हुआ तो मशीन से जीरो वोट निकला, मशीन से जीरो वोट निकला, तो उसने अखबार वालों को कहा मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मैं मान लेता हूं मेरे सपोर्टरों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे प्रचारकों ने वोट नहीं दिया होगा, यहां तक कि मैं ये भी मानता हूं कि मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, कभी कभार मैंने जिंदगी में उसको झापड़ झुपड़ मारा होगा, तो उसने सोचा होगा राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है और इसी वजह से मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डालू। अरे कम से कम प्रोफेसर राणे को इस बूथ पर एक वोट तो निकाला जाता, एक वोट भी नहीं निकाला। पत्रकारों को उन्होंने कहा मेरा वोट कहां गया, ईवीएम में मैंने डाला, मेरा वोट कहां गया? पत्रकारों ने राणे को कहा आपका वोट कहां गया? उसने पत्रकारों को कहा, पत्रकारों ने राणे को कहा आपका वोट कहां गया? तो उसको समझ में आया कि पत्रकारों के पास कोई जवाब नहीं है, तो उसने वहां से मुझे टेलीफोन दिया, वहां मैं शाम के बाद जवाब दे दूंगा। तो उसने मुझे ये सारी कहानी समझाई, समझाने के बाद मैंने उसको सलाह दिया तुम ऐसा करो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको एप्लीकेशन करो और कहो कि ये जो 200-300 बूथ है सारे बूथ का डाटा मुझे चाहिए, तुमको कितना पैसा चाहिए, मैं कैंडिडेट हूं तो मेरा अधिकार है, मुझे सारे बूथ का डाटा चाहिए, ये पैसा उसने भर दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने वो सारा का सारा डाटा लिखित रूप से का स्टैंप लगाकर उसको दिया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन से वोट गायब हो गया। पहले हम कहा करते थे कि ईवीएम मशीन वोटर्स के वोट गायब करती है या वोटर्स के वोट चोरी करती है, पहले हम कहा करते थे, मगर यहां तो कैंडिडेट का वोट चोरी हो गया। ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि यहां तो कैंडिडेट का वोट चोरी हो गया,
ये बात वो रिटर्निंग ऑफिसर का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसने हमें लिख कर दिया। तो मेरे पास ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम के अंदर वोटों की चोरी होती है, इसका भारत में केवल एकमात्र आदमी है जिसके पास ईवीएम में घोटाला होता है, वोटों की चोरी होती है, उसका एविडेंस है, और वो केवल मेरे पास है और भारत में किसी के पास नहीं। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है और इसके द्वारा घोटाला होता है, इसका रिटर्न एविडेंस मेरे पास है। तो चुनाव आयोग के पास 13 लाख मशीन है, अगर एक मशीन को एक आदमी माना जाए तो 13 लाख मशीन, 13 लाख आदमी, और एक मशीन वोटों की चोरी करती है तो इसका मतलब है 13 लाख मशीन चोरी करती है तो 13 लाख लोग चुनाव आयोग के अधीन हैं जो चोर है, चुनाव आयोग के अधीन चोर है, और वो लोगों के वोटों की चोरी करती है मशीन। और चुनाव आयोग ये जो मशीन है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, इसलिए चुनाव आयोग वोटों की जो चोरी करने वाली मशीन है उसकी 13 लाख है, 13 लाख आदमी है, तो चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये जो चोर है 13 लाख और चुनाव आयोग 13 लाख चोरों का सरदार। तो चुनाव आयोग के लोगों को जब मैं ये कैसा कह रहा हूं तो चुनाव आयोग के लोगों में हिम्मत होनी चाहिए कि वो वामन में संपर्क के दायरे में। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, तो वहां मैं प्रचार करने के लिए गया था, बताने लगे कि आपका भाषण रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग ने आदमी भेजा है, वो सामने वाले कुर्सी में बैठा हुआ है, वो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग में भाषण रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि अभी देखते रहो, 2-4 मिनट में वो भाग जाएगा, अभी देखते। तो मैंने जिस विषय पर भाषण चलाया था बंद कर दिया और चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया। जब चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया तो उसने रिकॉर्ड करने का जो मामला था उसने सोचा ही, चुनाव आयोग ने तो वामन मेश्राम को पकड़ने के लिए भाषण रिकॉर्ड करने के लिए भेजा, वामन मेश्राम तो चुनाव आयोग को पकड़ रहा, तो चुनाव आयोग को पकड़ रहा, अगर उसका रिकॉर्ड करूंगा तो चुनाव आयोग मुझे पैसा नहीं देगा, मेहनत का मेरे बिछवाड़े में लात मारेगा, साले गधे, तेरे को वामन मेश्राम को पकड़ने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए भेजा, तू हमको ही पकड़वाने वाला, भाषण रिकॉर्ड करके आया, तेरे को पैसा नहीं मिले। तो उसने वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग था उसके गले में गमछा था वो निकालकर उसको ऐसा दबा करके छवी में डाल करके चुपचाप इधर उधर देख कर कल्टी मार के चला गया। दो कार्यकर्ता फिर स्टेज के ऊपर आए कि चला गया, मैंने कहा मैं फिर तुम्हारी पहले देखा वो चला गया। चुनाव आयोग से पॉलिटिकल पार्टियां डरती है और चुनाव आयोग मेरे को डरता। अभी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, 11 दिसंबर को रिजल्ट आया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 38 विधानसभा में लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकले, अगर मान लो 100 वोट डाले तो 120 निकले। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे तो वहां 1,87,000 वोट ज्यादा निकले, मान लो 10 लाख लोगों ने वोट डाला तो 11,87,000 निकले, डॉक्यूमेंट्री बता रहा। उसकी कंप्लेंट हुई चुनाव आयोग, तो तेलंगाना में एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, उसने जिस बूथ पर वोट डाला उसमें भी 0 वोट निकला, हाईकोर्ट का रिटायर्ड। तो उसने पत्रकारों को कहा कि मैं जिंदगी भर लोगों का न्याय करता रहा, अब मेरा न्याय कौन करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो ईवीएम मशीन है ये इतने बड़े पैमाने पर चोरी करने का काम कर रहा है,
और चोरों का सरदार जो है चुनाव आयोग, अभी उसके ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरा, क्योंकि 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस जीता, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में फैसला दिया। यहां पे पुलिस वोलिस वाला हुआ तो सुन ले, थोड़ा अंदाज हो जाएगा उनको, हमारे पास में अकल है सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीतने की, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है चुनाव में आईवीएम में घोटाले होते हैं उसके, उस बगैर किसी आधार पर बात नहीं करता हूं मैं, पहले सबूत रखता हूं बाद में बात करता हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 का चुनाव में हर ईवीएम मशीन को 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, जो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है वो लगाई जाएगी। ये मैंने केस जीता 24 अप्रैल 2017 को, और उसके बाद जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आए कि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद भी ईवीएम में घोटाला होता है, रानी का उदाहरण दिया और तुम्हारे तेलंगाना का उदाहरण दिया, और 204 विधानसभा में मध्य प्रदेश में लोगों ने जितना वोट डाला उससे ज्यादा नहीं, 230 है विधानसभा मध्य प्रदेश में, उसे 204 विधानसभा में जितना पोल वोट डाला उससे ज्यादा निकला, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सभी किए। तो पेपर ट्रेल मशीन की केस चल रही है 18 जनवरी को चुनाव मेरी केस पर हियरिंग थी चीफ जस्टिस के कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेरी केस चल रही। चुनाव आयोग का वकील आया था, सब सवालों का कोई जवाब का तब ना आएगा है, वामन में सब के सवालों का जवाब देना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। तो चुनाव आयोग ने वकील ही नहीं भेजा, क्योंकि वकील भेजेगा तो जब पूछेगा हाँ बता तेरा क्या जवाब का जवाब है जी, वकील भेजा नहीं। तो चीफ जस्टिस को बहुत गुस्सा है, उसने ऑर्डर पास किया 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग ये बताए वकील क्यों नहीं भेजा, केस बाद में रहना, पहले बताओ वकील क्यों नहीं भेजा। भागते दौड़ते दूसरे दिन चुनाव आयोग ने वकील जज ने पूछा कल क्यों नहीं आए, और मेरे परिवार में मौत हो गई। जज ने कहा जूनियर लॉयर को भेज देते ये खबर बताने के लिए, क्यों नहीं भेजा, चुप कुछ नहीं। जब जस्टिस को डाउट होगा सला वकील झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए दूसरा ऑर्डर पास किया कि जो तुम ओरल कह रहे हो वही हलफनामा दाखिल करके कहो। अगर उसको ये हलफनामा दाखिल करना है तो हलफनामे में लिखना पड़ता है उसका परिवार के रिश्तेदार का नाम फला फला था, वो मेरा इतना नजदीकी था, उसकी इतनी उम्र थी, उसको ऐसा अटैक आया था, ये आया था, वो आया था, इसकी वजह से मौत हो गई, वो मौत का सर्टिफिकेट ये है, डेथ सर्टिफिकेट ये डॉक्टर था, इतना सारा जोड़ना पड़ता है हलफनामे को। ओरल बोलने को कुछ नहीं लगता, हलफनामा बोले तो सभी सबूत देना पड़ता है कि वास्तव में मरा, मरा तो सर्टिफिकेट किधर है, आदमी मरा उसका इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट किधर है। कोर्ट में हलफनामा का मतलब होता है सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वो वकील गए एक दिन गए हलफनामा दिया, कहा नहीं बीमार था मरा नहीं, क्योंकि अब वहां तो उसको चलो झूठा सर्टिफिकेट बताए कैसे, जो मरा नहीं मरा कैसे बताए, ओरल तो बताया जा सकता है, झूठ बोला सवाल में, झूठ बोला या नहीं, सवाल चुनाव आयोग झूठ क्यों बोला, झूठ इसलिए बोला कि चुनाव आयोग के पास मेरे ये सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए पुलिस वाले लोगों ने यहां कोई एलआईबी का आदमी भाषण रिकॉर्ड करने के लिए रखा होगा, तो मैंने कई जगह कहा कि रिकॉर्ड करने का पैसा खर्चा करते हो, ये मेरा जो रिकॉर्ड चल रहा है मैं खुद ही तुमको मुफ्त में दे देता हूं, खर्चा कर रहा है, मैं आदमी भेजकर तुम्हारे पास भेजता,
तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहां जो बोलता हूं ना सारे एविडेंस बाद में बोला, पहले एविडेंस रखता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चले। फिर वो वकील जो है चुनाव आयोग ने बोला होगा कि लंबी तारीख मांगो फरवरी की, तो हमारा वशी वकील था प्रशांत भूषण, नहीं इसी महीने जनवरी में ही हियरिंग होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं 29 जनवरी को राम मंदिर का मामला है इसलिए मेरे पास भी समय नहीं है, तो ऐसा करते हैं 4 फरवरी, ठीक 4 फरवरी होगी। अब चुनाव आयोग ने भारत सरकार के साथ नरेंद्र मोदी के साथ सलाह मशवरा किया होगा और करने के बाद में अब साले ये जल्दी अगर फैसला हो गया तो संकट आ गया। फैसला तो मोहम्मद मेजराम के फेवर में देना होगा, इतने सबूत है मेरे पास, मेरे सबूतों के विरोध में फैसला दिया ही नहीं जा सकता इतने पक्के सबूत है। मैं तो ऐसा संकट खड़ा करता हूँ कि जज को भी संकट खड़ा हो जाता है कि विरोध में दिया था। मैंने पहले भी बोल कर कहा अगर तुमने गड़बड़ी किया तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा। क्योंकि हम संविधान के दायरे में अगर काम कर रहे हैं, हम कोई हिंसा का सहारा ले रहे, तो इस तरह से 4 फरवरी को उन्होंने नरेंद्र मोदी ने 40 पुलिस वालों की टीम, सीबीआई वालों की टीम कलकत्ता भेजी राजीव कुमार को। राजीव कुमार ने उनके पुलिस वालों को अरेस्ट करके कस्टडी में डाल दिया। भारत सरकार का नरेंद्र मोदी का जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में हाजिर हो गया और कहने लगा केंद्र सरकार की पुलिस को ममता बनर्जी की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, संविधान का संकट लगा केंद्र सरकार की पुलिस को राज्य सरकार की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, संविधान का संकट खड़ा हो गया है, अभी के अभी हियरिंग किया जाए। हमारे चीफ जस्टिस के जज ने कहा कि ये बहुत बड़ा संकट का मामला आया, तुम्हारा जो एपोर्ट्रेल मशीन का मामला है हम बाद में करते हैं, ये पहले करते हैं। मुझे समझ में आया मेरा मामला डिले करने का सारा मामला है, 4.5 पहली साल की पहली केस, नरेंद्र मोदी अब तक सोया हुआ, साल पुरानी केस कैसे आ गई और वो घटना घटित होने के बाद अभी वो मामला ठंडा पड़ गया, अभी कुछ नहीं बोल रहे। इसका सीधा सीधा मतलब था कि मेरी केस को आगे सरकाने के लिए डिले करने के लिए 4 के बाद 5 तारीख आई, अखबार में खबर आई प्रशांत भूषण जो मेरे केस का वकील था उसके ऊपर भारत सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दाखिल कर दिया। तो प्रशांत भूषण ने मेरे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे लॉयर को बुलाया और कहा कि अब मैं आपके केस में लड़ाई नहीं लड़ सकता। समझ गए कि प्रशांत भूषण को वो मेरी केस से अलग करने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र करवाया गया, क्योंकि उनको मालूम है अगर पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मत पत्र है अगर उसकी गिनती करने का आदेश हुआ तो मैं स्टैंप पेपर पर लिखवा देता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 के चुनाव में हार जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार केवल ईवीएम में घोटाला करके ही चुनाव जीत सकती है, चुनाव जीतने की कोई वजह नहीं। पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतपत्र अगर गिना जाए हार, तो इसलिए उन्होंने ले करने का टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की। 16 तारीख को चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाई, आया तारीख 22 तारीख भी नहीं, 22 तारीख को उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, 22 तारीख को रिप्लाई फाइल किया कितने लाइन का, 14 लाइन का। हमारे 100 पेज का केस उसका जवाब कितना, 14 लाइन, और 14 लाइन में जवाब क्या लिखा, आपने पटना हाईकोर्ट का एक केस का जजमेंट की कॉपी नहीं लगाया, वो लगा, एक सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब होगा तब देगा, चोरों के पास अभी जवाब ना दो, चोर मैं तो चुनाव आयोग को चोर नहीं कह रहा, चोरों का सरदार वो भी 13 लाख चोर रखता है, उसका सरदार है बहुत बड़ा सरदार। फिर 26 तारीख आ गई, अब 26 तारीख को नरेंद्र मोदी को लगा चला अभी मामला हो सकता है, हियरिंग में आ जाए पाकिस्तान पर हमला, फिर मामला अरेज कर दिया, फिर 27 को नहीं आया, 28 को आया, हमने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया,
छह मार्च आ गया, छह मार्च को हमारे वकील का बाप मर गया है, आर्गुमेंट शुरू होने वाला था घंटे भर में, उसके बाप का मैसेज आया वो चला गया। अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने आर्गुमेंट किया 13 तारीख को, ये 13 तारीख। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को कहा अब तुम कहो, चुनाव आयोग के वकील अब तुम कहो इस पर क्या कहना है। उसने कहा मैं होमवर्क करके नहीं आया, समझ आ रही, समझ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर साला होमवर्क करके नहीं आया, मानने वाली बात है। अरे भाई तुम्हारे पास कोई जवाब होगा तब होमवर्क करके आ सकते हो ना, जवाब ही नहीं है तो तुम कहां से होमवर्क करके आओगे। तू चीफ जस्टिस ने कहा क्या कह रहे हो, लोग कहेंगे बाहर कि चुनाव आयोग के पास गधे लोग हैं, वकील नहीं है। अरे सब चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कहा कि चुनाव, अरे लोग कहेंगे कि चुनाव काज के पास गधे लोग हैं, वकील नहीं है। मेरे वकील ने मुझे बताया ऐसा ऐसा कमेंट किया, कुर्सी से उठते हुए कमेंट किया ऐसा, तो चुनाव आयोग का वकील ऐसे ऐसा बेशर्मी की लगी यार। साथियों अभी 21 पार्टी के लोगों ने केस दायर किया, अभी 21 पार्टी के लोगों ने ईवीएम मशीन केस केस दाखिल किया, आर्गुमेंट हुआ। चुनाव आयोग का वकील जो है, चुनाव आयोग का वकील कोई जवाब नहीं दे पाया वहां भी, तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर निकाला, वकील नहीं तुम्हारा अधिकारी, तुम्हारे वकील के पास कोई जवाब नहीं है, तो ऑर्डर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शाल दे पुट देयर ऑफिस। तुम वकील भेज रहे हो वो बोल नहीं रहा है, अब तुम अपने अधिकारी भेजो। अबे एडमिनिस्ट्रेटिव आप अधिकारी रहे, आपको बात समझ में आती है, दूसरे लोगों नहीं आती है। तुमने वकील भेज रहे हो जवाब नहीं दे रहा है तो अपने अधिकारी भेजो। अभी चुनाव आयोग को गले में ऐसे 21 पार्टी के लोगों ने पकड़ा, मैंने तो अलग से पकड़ के रखा हुआ है, चुनाव उन्होंने अलग से पकड़ के रखा हुआ है। तो ये सारी बदमाशी जो है इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं, ये चुनाव आयोग में बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली करने का सारा कार्यक्रम चल रहा है, और घोटाला करके 2004 में चुनाव जीता गया, 2009 में चुनाव जीता गया, 2014 में घोटाला करके चुनाव जीता गया, अभी 2019 में 2014 से सारे देशभर में मैं अभियान चला रहा। जब 2014 में मैंने अभियान चलाया तो लोगों ने कहा अरे वामन भाई साहब को तो हम बहुत बुद्धिमान आदमी समझते थे, ये तो कुछ भी बोल रहा है ईवीएम मशीन के लोग, ईवीएम में ऐसी गड़बड़ थोड़ी होती, जो लोग मुझे गधे बता रहे थे अब सारे के सारे बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती। मैंने 2014 से अभियान चलाया, हम लोगों को पहले पता चलता है दूसरे लोगों की बुद्धि कैसे होती है। हमारे घर में एक ट्यूबलाइट होता है और एक बल्ब होता है, जब आप ट्यूबलाइट जलाते हो तो ट्यूबलाइट कैसे जलता है जानते हो, देखो ट्यूबलाइट कैसे जलेगा, ट्यूबलाइट जलता ही कैसे, और जो बल्ब होता है बटन दबाते ही बल्ब जल जाता है। तो हमारे जो नेता लोग हैं ताकि उनकी ट्यूबलाइट की तरह बल्ब जलता है, एकदम से नहीं जलता है, ट्यूबलाइट की तरह जलता है। हम 2014 से बता रहे क्योंकि हमारा बल्ब है बटन दबा के ही जलता है, तब से बता रहा हूं। तो जो ईवीएम है, ईवीएम की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। 2004 के पहले किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे, 4 के बाद किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। क्यों हुआ, पहले किसानों के वोटों के आधार पर सरकार चुनकर आती थी, जब ईवीएम के आधार पर चुनकर आना शुरू हुआ तो सरकारों ने किसानों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, हमको तो ईवीएम मशीन से चुनना है,
किसानों पे होटल थोड़ी चुनना है, इसलिए किसानों की तरफ ध्यान देने की जरूरत क्या है। कल वो सोचते थे आदिवासियों के होटल से चुनना है, आदिवासी की तरफ देखने की जरूरत क्या है। कल तक वो सोचते थे कि हम लोग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के वोटों से चुनकर जाते हैं, तो अभी ईवीएम से चुनकर जा रहे हैं, तो उनके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। तो इसलिए 5 मार्च को हमने भारत बंद किया। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, बंद हमने करवाया 5 मार्च को, भारत बंद करवाया। जब भारत बंद करवाया, भारत बंद करवाने के बाद दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि नरेंद्र मोदी अपने फैसले बदलने का आदि नहीं है, वो अकड़ू आदमी है। अकड़ू अकड़ू समझते हैं, अकड़ता जाता है। जिंदा आदमी इधर उधर थोड़ा चुपके रहता है, ऐसा ऐसा जिंदा आदमी, तो मरा हुआ आदमी होता है वो अकड़ता जाता है। बुद्धि इसको तेल लगाना चाहिए, इसको घी लगाना चाहिए, नहीं तो अकड़ जाएगा। मरा हुआ आदमी ज्यादा अकड़ता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि नरेंद्र मोदी को 2 अप्रैल में जब भारत बंद हुआ तो अपना फैसला बदलना पड़ा, 5 मार्च को भारत बंद हुआ तो नरेंद्र मोदी को अपना फैसला बदलना पड़ा। 5 मार्च को हमने प्रधानमंत्री को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये तुम्हारे आकोट के इलाके में जो पुलिस पुलिस वाले लोग हैं ना, इनकी अम्मा औकात नहीं मानते। प्रधानमंत्री के झुकने की बात बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं बता रहा हूं, थोड़ा अखबार पढ़ते जाओ तो आपको पता चलेगा। 5 तारीख को बंद किया प्रधानमंत्री को, 13 पॉइंट रोस्टर खत्म हो गया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू हो गया, ये अखबारों में खबरें आ गई है। तो इस इलाके में जो भी अधिकारी लोग हैं, अगर वो कानून के विरोध में काम करते हैं, मैं थाने में एक IPS ऑफिसर है, उसने मेरी कार्यक्रम की परमिशन को रद्द कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का मुमरा में कार्यक्रम था, कार्यक्रम था, तो जो मुस्लिम लोग थे वो परमिशन के लिए उसके पास गए, तो IPS ऑफिसर ने उनको कहा कि वो वामन मेश्राम को बोलो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थोड़ा सा कम बोले। वो मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने उसको कहा कि साहब हम छोटे कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप ही बोलो। तो IPS ऑफिसर ने क्या कहा, वो हमारी सुनता थोड़ी हो, तो मेरे को नोटिस दिया हुआ है। यानी उसका ये कहना है कि वो जो IPS ऑफिसर था कि वामन मेश्राम ने तो मेरी भी बोलती बंद करके रखी हुई है, तो जो छुड़वाई है पुलिस वाले लोग है उनका तो मैं कोई गिनती में नहीं रखता नहीं हूं, क्योंकि मैं काम खुद ही कानून के दायरे में रहकर काम करता हूं, लकड़ी लेकर भी नहीं। कि जब संविधान मेरे समर्थन में है तो मुझे लकड़ी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एक बार नागपुर पुलिस कमिश्नर से मुझे टेलीफोन आया, कहा कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। पुलिस कमिश्नर तो कल्लूरी को मारा था, कोल्हापुर के आदमी को मारा था, उसके बाद टेलीफोन आया। मैंने कहा वो कोल्हापुर के आदमी को मारा गया तो अभी मेरा नंबर है क्या? पुलिस कमिश्नर को कहा नागपुर के, मेरा नंबर है क्या, तुम मुझे डराना चाहते हो, तुम्हारी मुझे सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी मुझे जरूरत नहीं है। और मैंने कहा मेरे को हाथ लगाना जो तो फिर देख लेना तो क्या हो, गिनती कितने लोग, मैं एक को मारोगे तो फिर तुम्हारे कितने मर जाएंगे इसकी कोई गिनती। होश में रहकर काम करो तो काम हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इलाके में मुझे पता चला कि आपको आने के लिए गांव गांव में गाड़ियां लगाई, डराने का काम किया। मैं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की उधर टीम भेजता हूँ, और कौन से एरिया एरिया में पुलिस वालों ने कौन सी गाड़ियां भेजी, क्या क्या भेजी, सारा डाटा मुझे दे दो, सब लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लगा देता। उन्होंने तो केवल आपको कार्यक्रम में आने से रोका, अब उनकी नौकरी का मामला जो है, उनकी नौकरी कैसे रहती है तो कैसी बचती है तो देखता, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं।
हम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। पुलिस अथॉरिटीज को या एडमिनिस्ट्रेशन को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, वो ज्यादा बंधनकारक है। और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो हम लोगों के पास संवैधानिक अथॉरिटी है। अभी झारखंड में टाटानगर में जमशेदपुर में मेरे खिलाफ पुलिस वालों ने देशद्रोह का एफआईआर दाखिल किया। कौन सा देशद्रोह? वो डराना चाहते थे मुझे कि वामन मिश्रम यहां डर के मारे आएगा, मैं वहां गया, मुझे डराने की कोशिश की तो मैं गारंटी से जाता। अगर मुझे किसी ने डराने की कोशिश की तो मैं 200% गारंटी से बचा गया। जाने के बाद मैंने वहां कहा कि तुम लोग देशभक्ति का और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, किसी को देशद्रोह किसी को देशभक्त सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तुम्हारे देशभक्ति देशद्रोह की सर्टिफिकेट है ना उसके ऊपर मैं खड़े खड़े मुत्ता। तो 50-60 गोली देख रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को भी तुम सर्टिफिकेट बांटते थे देशद्रोह का? मैंने कहा हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं वराड़ा का रहने वाला हूँ, ये खड़े खड़े वाली है, कहावत हमारे वराड़ में चलती है। तो साथियों, क्योंकि मैं अपने कानून के दायरे में रहकर अपना काम करता हूं, और तो उनका वो एफआईआर तो ऐसे ही मैंने पेशाब किए बगैर पेशाब कर दिया तो बह गया, पता ही नहीं चला कहाँ बह गया, कुछ हुआ नहीं। मैंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से 3 नोटिस उनको इशू करे। अब वो परेशान है कि दादा ये हमारा क्या होगा, किसी को भी बख्शने वाला नहीं, झूठा केस दाखिल कर दिया तो झूठा केस का नोटिस दे दिया। अब वो नोटिस चला गया सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, तो परेशान है तो क्योंकि मुझे किसी वकील को एक नया पैसा नहीं देना पड़ता। डोंगरे जी पैसा देते हो क्या मेरे से? इनसे ही पैसा लेता हूं मैं, डोनेशन लेता हूं। सारे देश भर में हमारे पास वकीलों का संगठन है, मैं वकीलों से पैसे लेता हूं, वकीलों को देता नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो धंधा थोड़ी कर रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम है, वकीलों को नहीं गाड़ी मिल गई, मामा ने मिलना मेरा वही 10x10 का सारा झोपड़ा है, गरीब से गरीब आदमी का झोपड़ा होता है। मामन मेहराम के पास तो 10x10 का झोपड़ा भी नहीं है, वो अपने लिए लड़ नहीं रहा है। विस्थापित होने के बाद कम से कम झोपड़ा तो आदिवासियों का है, साला मेरा तो मैं तो परमानेंट विस्थापित हूं। अपने समाज के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं तो लोगों को मालूम है कि मैं अपने लोगों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं हूं। हम हर हालत में लड़ाई लड़ेंगे और आपको किसी किस्म की कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब हमारे लोगों को डर लगता है पुराने समय में तो हनुमान चालीसा पढ़ते, हनुमान चालीसा पढ़ने से डर निकल जाए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अब वामन मेश्राम अगर आपके साथ खड़ा है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा एक बार नाम याद कर लेगा वामन मेश्राम, वो हो गया डर खत्म, 40 बार पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई में हम आपके साथ सारे देश का संगठन है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। और जो लोग आपको डरा रहे हैं अभी आप देखते रहो, उनके पास नोटिस चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की टीम आ जाएगी, उनके पास नोटिस चली जाएगी, उनको बख्शेंगे नहीं। तो ये तो मैं नागवंशी आदमी हूं, मेरे पूछ पर साला कोई हाथ पड़ गया से गजर में छोड़ता नहीं। हमारे 500 पुरखों ने उनको मालूम होना चाहिए, वो खून अभी ठंडा नहीं हुआ, गर्म है। और फिर आप लोगों के बीच में आने के बाद वो गर्म और गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं होता और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये लड़ाई हर हालत में हमको लड़नी है, और हम किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, हम केवल अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे अधिकारों पर हम कोई अतिक्रमण कर रहे हैं, अतिक्रमण करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम कह रहे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार हमारा है, वो अधिकार पर दूसरे लोग अतिक्रमण ना करें, हम शांति से जीवन जीते, बस इतना कहना है। और अगर कोई शांति से हमको जीवन नहीं देता तो हम भी उनको शांति से जीने, जो हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करेगा
हम भी उनके लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, यही बराबरी का सत्य। इसको बराबरी हमको डिस्टर्ब करेंगे हम भी करेंगे, तो हम तो बराबरी का सिद्धांत मानने वाले थे। तो इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तो पास मान चुके भारत बंद हुआ ना, तो बहुत बड़ा होगा आने वाले समय, बहुत बड़ा होगा। 6 लाख गांव का हो जाएगा बंद, तो आप ज्यादा नहीं 2024 तक, 2024 तक तो एक भी आदमी मरने वाला नहीं है। आप अपनी आंखों से देखते रहे, सामने आंखें, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और पूरे ताकत से साथ, जोश के साथ आगे बढ़ो, और कोई भी डिफिकल्टी आती है सलाह मशवरा करो। कोई बात समझ में नहीं आती सलाह मशवरा करो, हमारा सलाह दो, हम कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, इसमें हमारा साथ, कानून के दायरे में रहकर काम करने के लिए आपका साथ सहयोग करूंगा। हिंसा करने के लिए हम किसी का साथ नहीं देंगे और हम किसी के विरोध में हिंसा नहीं करेंगे। धन्यवाद। ₹25,000 जनांदोलन निधी बाळापूर युनिट कडून आलेला आहे। वीरेंद्र वानखडे बामसेत बाळापूर तालुका अध्यक्ष, या सगळ्या लोकांनी वरती यायचं। वंदना औचार, देवानंद औचार, गुलाबराव उमाळे, मारुती वानखडे, ब्रह्मदीप वानखडे, प्रमोद वानखडे, विनोद सिरसाट, अक्षय सोनोने, गौतम इंगळे, हर्षदीप सिंग चौहान, आनंद वानखडे, महेंद्र गवई, प्राध्यापक राजेंद्र वानखडे, या सगळ्या लोकांनी वरती येऊन ₹25,000 जन आंदोलन निधी बाळापूर युनिट तर्फे मान्य वावन मेश्राम साहेब यांना सुपूर्द करत आहे। धन्यवाद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, कुलदीप, भारत मुक्ति मोर्चा तथा बामसे जिला स्तरीय प्रबोधन में शरीक हुए मान्यवर माननीय मेजराम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तथा उपस्थित